सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आप बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर। शांति गीत पावन करिया, पापों को मिटाने वाला, शांति गीत पावन करिया, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ए दुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, मधुसूदन की आरती। हरि मधुर बोल मधुर बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। मधुर बोल जगपाल बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। श्री राम यही जन श्याम यही, यही जन श्याम यही, हमके महिमा की आरती। सतगुरु को प्राप्त है आरती, भागवत भगवान की है आरती। सतगुरु को प्राप्त की है आरती, गोर गोर परमात्मा सजाव बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्त आरती लेके अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। तो यही वामन भगवान सीधे कहां जाते हैं बताए, राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। वामन भगवान सीधे कहां गए, राजा बलि के द्वार पर गए थे। राजा बलि के द्वार पर जब वामन भगवान जाते हैं, वामन भगवान का इतना सुंदर रूप है, उनका इतना सुंदर रूप है वामन भगवान का, एक सूरज कितना चमकता है, ऐसे समझ लो राजा बलि के द्वार पर हजारों सूर्य एक साथ उतर आए, इतना सुंदर रूप था। ऐसे मानो कि हजारों सूर्य एक साथ उतर के आ गए।
राजा बलि बामन भगवान के दिव्य आलोकिक सुंदर रूप को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई थी। महाराज मेरे बहुत बड़े अहोभाग्य, आप जैसे संत मेरे द्वार पर चल करके आए थे, आप जैसे विप्र मेरे द्वार पर चल के आई, ब्राह्मण मेरे द्वार पर चल के आई, महाराज मेरी बहुत बड़ी अहोभाग्य, महाराज मेरा जीवन धन्य हो गया, महाराज मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। बामन भगवान को प्रणाम किया, महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान बड़ी खुश हो गई थी, बड़ी प्रसन्न हो गई थी। भगवान कहने लगे कि हे राजा बलि, हम ना आपके, आप इतना सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, आप इतना सुंदर धर्म का कार्य करने लग रहे, भैया हम ना आपके इस यज्ञ के दर्शन करने के लिए आए। कहने लगे महाराज सब आपके आशीर्वाद से करने लग रहा हूँ। राजा बलि कहने लगा महाराज मैं ना सभी के लिए ना मुंह मांगा दान भी देने लग रहा हूँ प्रभु। हे नारायण आप भी कुछ लो ना। भगवान कहने लगे भैया आप हमारे लिए क्या दोगे है? हमारे पास तो सब कछु होती, हमारे पास कछु चीज की कमी ना, हमारे पास कुछ भी कमी नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, आप कुछ भी मांगिए। भगवान कहने लगे भैया आप हमारे लिए क्या दोगे, हम तो प्यागी आदमी, देख हमें भूख लगती है तो दो रोटी मांग के खा लेते किसी के घर से, हमको भूख लगती है तो दो रोटी मांग के खा लेते, अगर प्यास लगती है हमारे पास ना कमंडल है ना पानी पीने के लिए, अपना पानी भर के पी लेते, धूप लगे या बारिश लगे हमारे पास छाता है ना, कहीं सोना है या बैठना है हमारे पास आसन है, इसको बिछा के चुप सो जाते, और हमें चाहिए का है। राजा बलि कहने लगा नहीं नहीं महाराज आप न मुझसे कुछ न कुछ तो दान में लीजिए ना, महाराज आप मुझसे कुछ न कुछ तो दान में लो ना महाराज, अगर महाराज आप मुझसे कुछ ना लोगे दान में तो मेरा यज्ञ कैसे सफल होगा। हे प्रभु आप मुझसे कुछ मांगो ना, कुछ भी लीजिए प्रभु, आप लो ना मुझसे। भगवान कहने लगे भैया आप हमारे लिए क्या दोगे। राजा बलि कहने लगा महाराज कुछ तो धन वैभव ले लो ना। भगवान कहने लगे भैया आप हमारे लिए धन वैभव दोगे तो उसे भी तो कोई खाने वाला चाहिए, हमारे पास तो है नहीं ऑलरेडी सब कुछ है। राजा बलि कहने लगा महाराज अगर आप कहें तो कोई ब्राह्मण की सुंदर कन्या दे के आपकी शादी करा दे, आपके दो चार बच्चे हो जाएंगे तो खाने वाला आ गया। भगवान कहने लगे ये बात तो आप अच्छी कहते हो, मगर एक बात बताओ हमारी शादी हो जाएगी दो चार बच्चे हो जाएंगे खाने वाला भी आ जाएगा, मगर एक बात बताओ उन बच्चों में से कोई बच्चा मर गया तो रोना किसे पड़ेगा। बलि कहने लगा महाराज रोने के लिए कोई किराए पे थोड़ी आदमी आएंगे, रोना तो आपको ही पड़ेगा जब आपके बच्चे मरेंगे। तो भगवान कहने लगे भैया ऐसा कर्म हम क्यों करें जो हमको बार बार में रोना पड़े। यानी राजा बलि भगवान को दान देना चाहता है और भगवान मना कर रहे। सुनो राजा बलि ने ना भगवान को धमकी दे दी, पतो कहा कहने लगा महाराज अगर आपने मुझसे दान न लिया ना तो मैं अपना सिर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। कहते वो पे दान ले लो, भगवान सोच रहे चौकी गिरे लगी हमारे पीछे है। और एक बात बोलो अगर कोई भाव से दान कर रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, चाहिए करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए।
बड़े भाव से राजा बलि दान दे रहा है। तो भगवान कहने लगे, ठीक है, अगर आप जिद पर रहे हो तो आप हमारे लिए क्या दोगे? अपना दो पग जमीन दे दो। कितने पग? दो पग। राजा बलि को हंसी आ गई, अरे महाराज, आप जितने छोटे हो आपकी उतनी छोटी वाणी है। महाराज, 10-20-50 गांव मांगते तो एक मिनट में दे देता। भगवान कहने लगे, हमें आते ज्यादा ना चाहिए, हम जा रहे नहीं तो राधे राधे कह के भगवान चलिए। राजा बलि पीछे पड़ गया, अरे अरे महाराज महाराज, एक मिनट बात तो सुनो। महाराज, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। क्या? महाराज, आपसे ये प्रार्थना है, आप कहते हैं कि दो पग जमीन, मगर महाराज दो पग में इंसान अच्छी तरह नहीं बैठेगा। हे नारायण, एक पग और मेरी तरफ से बढ़ा दो ना। कितना? एक पग और बढ़ा दो। भगवान कह रहे, फिर 3-3 सुनाए चाहिए, मंजूर है महाराज। भगवान कहने लगे, हमारी बात और सुन ले लाला, हम बगैर संकल्प के कभी दान नहीं लेते। हाँ, जब संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य जी महाराज बगल में खड़े थे, सोचने लगे, लाला कछु न कछु तो दार में कारो। हाँ, आंख बंद करके देखे तो पूरी दारे कारी भरी है। कैसे? जो छोटा सा बालक था ना, जो छोटा सा बच्चा था, जो ब्राह्मण का बड़ा सुंदर दिख रहा था, वो ना स्वयं भगवान थे। मैंने आपको बताया, एक बार भगवान सबके सामने आते, ऐसी बात नहीं नहीं आते। के ना जाने किस रूप में मेरो नारायण वो मुरली वाला एक बार सबके सामने आता है। एक बात बोलूं, मेरा काना पता नहीं किसी के सामने वो पागल के रूप में आ जाता है, किसी के सामने वो ब्राह्मण के रूप में आ जाता है, और किसी के सामने पता नहीं भिखारी के रूप में आ जाता है। भगवान एक बार जरूर जरूर आते हैं, परमात्मा जरूर आते एक बार सबके सामने, मगर ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। वो मुरली वाला पता नहीं किस रूप में किसके सामने आ जाए। और एक बात बोलूं, कोई इन नजरों से मेरे कृष्ण को पहचान लेता है, और कोई आए हुए अच्छे समय को ऐसे ही गवा देता है, ऐसे ही गवा देता है आए हुए अच्छे समय को। राजा बलि का हाथ पकड़ लिया शुक्राचार्य जी महाराज ने, और कहने लगे, ओ राजा बलि, पागल तो ना है वो, ये छोटो सो बालक ठाड़ो ना, इदारी को स्वयं भगवान ही, ये स्वयं भगवान है, और ये भगवान तुझे लूटने के लिए आया है, मेरी बात माने तो भगा दे। एक बात बोलूं मैया, अगर भक्ति की दृष्टि से सोचो, इस दुनिया में कौन किसे नहीं लूट रहा है? इस दुनिया में ये लुटेरी दुनिया है। चाहे बेटा को देखो, चाहे बेटी को देखो, चाहे पोता को देखो, चाहे पोती को देखो, सब सब को लूट रहे। आज ये लुटेरी दुनिया है, अगर मेरे कृष्ण के आगे लुटोगे ना, चाहे एक रुपए कृष्ण के लिए चला जाए, उसका हिसाब होगा। और सगे बेटे के लिए आप कितना भी कर लेना, पूरा जीवन बीत जाता है, लास्ट में पतो का कहवे, का कर दियो तुमने मुँह को, कछु कर दियो का। अगर माँ बाप कह देते, लाला तू इतने बड़ो कर दियो हमने, अरे एहसान कर दियो का,
पशु भी अपने बच्चों को बड़ा कर रहे, कहते कि नहीं कहते, अगर मेरे कृष्ण के आगे लुटोगे तो तुम्हारा जीवन सवन जाएगा। और दुनिया में आप कितने भी लुटते रहना, आपका कोई हिसाब भी नहीं होगा। जी हाँ, राजा बलि मन में विचार करने लगा, अरे जिस भगवान ने मुझे तन दिया, मन दिया, धन दिया, बंगला दिया, राज दिया, सब कछु दे, अरे वो पे थोड़ो सो कछु मांग ले तो मेरा कुछ गया क्या? दिया तो उसे ने ही था, है? दिया भी तो मुझे कृष्ण ने था, और अगर कृष्ण मुझसे कुछ मांग ले तो मेरा कुछ भी नहीं गया। कहने लगा, महाराज आप संकल्प से लो चाहे कैसे भी लो, मैं तुम्हारे लिए जरूर जरूर दान दूंगा। हे नारायण, आप मांगो तो सही। संकल्प के लिए हाथ आगे कर दिया। राजा बलि या बामन भगवान ने क्या किया, अपने कमंडल से जल निकाल रहे हैं। सुनो, कमंडल की जो डंडी होती है ना, पानी निकलता है। शुक्राचार्य जी एक छोटा सा रूप बना के बैठे गए, उसमें मन में सोचने लगे जल नहीं निकलेगा, और जल नहीं निकलेगा तो संकल्प भी नहीं होगा, जल नहीं निकलेगा तो संकल्प भी नहीं होगा। अब क्या होता, छोटा सा रूप बना के बैठ गए, मगर एक बात बोलूं, भगवान से ज्यादा चाला कोई ना है। भगवान ने बदो कहा करो, एक कुशाली और वह कमंडल की डंडी के भीतर करी, सोई शुक्राचार्य जी की एक आंख को गोविंदाए नमो नमः। संकल्प कर दिया राजा बलि ने भगवान के लिए। अब तीन पग पृथ्वी का संकल्प था, जो छोटा सा बन के आया ना, नारायण भगवान छोटे से बन के आए। भगवान ने इतना विशाल रूप बनाया कि एक पग में मेरे नारायण ने पूरी दुनिया को नाम, पूरी धरती को नाम, एक पग में तीन लोग 14 भवनों को नाम दिया। भगवान कहने लगे, ओ राजा बलि, तीन पग पृथ्वी का संकल्प किया था, अब ये तीसरा पग में कहां रखूं? जब दान देने की हिम्मत न थी तो क्यों संकल्प किया आपने? अब तो राजा बलि बड़ी चिंता में गिर गया। मन में सोचने लगा, मैं भगवान के लिए क्या दूं? अरे मेरा सब कुछ लुट गया, मगर फिर भी भगवान की पूर्ति नहीं करी। क्योंकि एक बात बोलूं, मेरा मुरली वाला ना बहुत अजब निराली परीक्षा लेता है, मेरे कृष्ण की परीक्षा को कोई नहीं समझता। राजा बलि की पत्नी कहने लगी, अरे महाराज आपने सब कुछ दिया मगर असली दौलत नहीं दी। बलि कहने लगा, और असली क्या है? अरे अपने आप को भी तो दो, है? अपने आप को भी तो दो। जिसने अपने आप को भगवान के हवाले न किया वो कभी दान नहीं माना जाता है। तुरंत भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगे, हे नारायण ये तीसरा पग कहाँ रखना है? मेरे शीश पर रख दो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े गदगद हो गए। भगवान सोचने लगे, अरे कोई मुझे धन देता है, कोई मुझे दौलत देता है, कोई मुझे पृथ्वी देता है, कोई मुझे राजपाट देता है, अरे दानी भी सर्वश्रेष्ठ वही है, अपने आप को भी हवाले करो कि कृष्ण मैं तेरा हूं और तू मेरा है, अपने आप को कृष्ण के हवाले करो। और जिसने अपने आप को भगवान के हवाले नहीं किया, चाहे कुछ भी हो, भगवान प्रसन्न होते, मगर सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते? अपने आप को भी दान करके देते। गीता कहती है ना, गीता में कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्मान्य प्रतिज्ञ मामेकं शरणं व्रज, अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः।
जो भक्त सभी धर्म कर्मों को छोड़ करके जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ, मेरा कृष्ण कहता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना राम राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना राम राधे 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 राधे। पहरे जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सागरे की एक झलक दिखला दे राधे 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 राधे। मैं तो सागरे की रंग में राजी, हो मैं तो सागरे के रंग में राजी, बांध घुंघरू सब बात में हृदय की न जाती, हो बात में हृदय की न जाती, अपनों के संग करते नहीं, अपनों के संग करते नहीं, उस सागरे को कोई समझा दे राधे 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 राधे। हो श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना राम राधे 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 राधे। अरे बोली मैया काली बजा दे, राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना राम राधे 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 राधे। ताली बजा दे।
सब कहीं पे कन्हैया हो, कहीं पे सब कहे कन्हैया, कहीं नटवर हो रास रचैया, कहीं नटवर हो रास रचैया, भक्तों की अच्छी नैया भवर में पार कर दे नाथ भैया, हो पार कर दे नाथ भैया, विनती मेरी है इतनी, विनती मेरी है इतनी, बंसी बजैया तक पहुँचा दे राधे 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 राधे, श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना राम राधे 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 राधे, बोलिए राधा राधे की, एक बार जोर से बोलो और जोर से बोलो, आज तो माखन मिश्री में लगो खावे को, ये नीम की पत्ती नहीं कैसे इकट्ठे कर रहे हैं इन्हें, दरबार बनाएंगे, अच्छा नीम की पत्ती इन्हें लेके डाली ने, तो आज देखो राजा बलि ने अपने ढोलक की चांद से निकल लिया, बंद तो करो, तो आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, यही मेरे परम पिता परमात्मा, उन्होंने भगवान बड़े प्रसन्न हुए, राजा बलि से कहने लगे कि आज तेरी भक्ति से मैं अत प्रसन्न हूँ, आप मांगो जो मांगोगे मैं आपके लिए तुरंत दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर भगवान कहने लगे कि आपने जब मेरे लिए दिया मैं आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ दूंगा, आप मांगो। उसने कुछ नहीं मांगा। कहते हैं कि जिसे नारायण मिल गया उसे सर्वस्व मिल गया, मगर बिन मांगे भगवान मेरा इतना दे देता है कि सोचता नहीं है कभी। भगवान ने उसको पाताल का राजा बनाया। भगवान कहने लगे हे राजा बलि, और भी कुछ मांगना चाहता है, और भी मैं तेरे लिए दे सकता हूँ। कहने लगा महाराज अगर मैं आपने मुझे पाताल का राजा बना दिया ठीक है महाराज, मगर मैं आपसे कुछ मांगू आप दोगे बनके? हाँ। कहने लगा भगवान से कि प्रभु आप मुझे वचन दो। भगवान कहने लगे विश्वास नहीं है आपको? नहीं महाराज, मुझे विश्वास है तभी तो मैं आपसे मांग रहा हूँ। ठीक हो, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर देना चाहते हो महाराज, जब भी मैं महलों के अंदर जाऊं सबसे पहले आपके दर्शन होने चाहिए, और जब भी मैं महलों के अंदर आऊं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया और मेरे प्रभु राजा बलि के पहरेदार बन जाते। बाद में लक्ष्मी माता ने राजा बलि को भाई बनाया, उनके पीला धागा बांधा था जिसे कहते हम क्या रक्षाबंधन। ये हमारे हिंदू धर्म में ये त्योहार तभी से चला रहा है भाई बहन का रक्षाबंधन। राजा बलि कहने लगा बहन आपने मेरे रक्षा बांधी है, बताइए क्या मांगना चाहते हो? लक्ष्मी माता ने वचन भरवाया और कहने लगा कि आप अपने पहरेदार को मेरे लिए दे दो।
आप अपने पहरेदार को आप मेरे लिए दे दो। राजा बलि को मालूम था जब सृष्टि का रचाने वाला भगवान जब मेरे पास रह जाएगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। ये राजा बलि चरित्र की कथा है। परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे कथाओं को सुन सुन के। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, महाराज आपने मुझे जितनी कथा सुनाई मुझे सब बहुत अच्छी लगी। महाराज अब मेरे लिए आप सूर्यवंशियों की कथा सुनाओ। किसकी कथा? सूर्यवंशियों की। तो सूर्यवंशियों की कथा बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सुनिए। देखो, नारायण के पुत्र हुए थे कौन? ब्रह्मा। बेटा बैठ जाओ, तुम सब गुब्बारे ये फूटते रहेंगे, अब इनको मैं छेड़ूंगी तो फूटते रहेंगे। नारायण के पुत्र हुए थे ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए थे वैवस्व मनु, जिनको क्या कहते हैं? सूर्य। यहां से इनका वंश चालू होता है। इसी वंश में एक इक्ष्वाहुक नाम के राजा हुए थे। इक्ष्वाहुक नाम के राजा हुए थे। राजा इक्ष्वाहुक ने 100-100 शादी कर ली, मगर पुत्र किसी भी रानी पर नहीं हुआ, 100 विवाह कर लिए थे। राजा इक्ष्वाहु को बड़े दुखी रहने लगे। जब बड़े दुखी रहने लगे, एक दिन संत नारद आए। संत नारद को अपने दुख की बातें बताई। महाराज क्या बताऊं, मैंने 100 विवाह कर लिए मगर पुत्र किसी भी रानी पर नहीं होता है। महाराज आप कोई कृपा करो ना। तो नारद जी ने एक फल दिया, आप किसी भी रानी को खिलाना, जरूर संतान उत्पन्न होगी। अब एक रानी को खिला दिया। इन बच्चों को पीछे तो करो, या कैमरा चल रहा है, खेल थोड़ी हो रहा है भैया। एक आध व्यवस्थापक इधर, बच्चे को नहीं आने दे। 100-100 विवाह कर लिए थे। जब नारद जी ने फल दिया तो राजा इक्ष्वाहुक ने एक रानी को फल खिला दिया था। जब एक रानी को फल खिला दिया तो जब एक रानी को फल खिला दिया उस रानी के गर्भ ठहर जाता है। जब उस रानी के गर्भ ठहर गया तो 99 रानी सोचने लगी, भाई बेटा तो इसी रानी पर होगा, तो जब इस पर बेटा होगा तो राजा भी यही बनेगा। हम 99 रानियों की कोई इज्जत नहीं रहेगी, ऐसा करना चाहिए, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। हम 99 रानी बांझ है तो 100वीं को भी बांझ बना दो। 100वीं रानी को जहर पिला दिया था। 100वीं रानी को जहर पिला दिया। मगर कहते हैं कि जा कुरा के साया। कौन? भगवान। और मार सके नको बाल नवा का कर सके जो जग वेरी हो। जिस पर भगवान की कृपा होती है, चाहे कोई भी कितना भी मारने की कोशिश करना, वो नहीं मरेगा। 99 रानियों ने मिलकर के जहर पिलाया। उस जहर के तेज के कारण वे गर्भ गिर जाता है, मगर उस बच्चे के हुआ कुछ नहीं था। सकर सकर करके सांसें ले रहा था। उसका नाम क्या रख दिया था? सगर। आगे चल के यही सगर बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए। इनकी दो शादी होती है। एक रानी का नाम है केशनी, एक रानी का नाम क्या है? सुमती।
इन दोनों पर एक एक बच्चा हुआ। सुमती पे जो बेटा हुआ था वो मांस पिंड जैसा हुआ था। उसने क्या किया, उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। गोविंद की कृपा से वह 60,000 टुकड़े 60,000 बच्चे बन जाते हैं। उनका नाम क्या रख दिया, हर्ष, जो हर कार्य एक साथ करते थे। और केसिनी पर जो बेटा हुआ उसका नाम रखा था असमंजस। केसिनी पर जो बेटा हुआ था उसका नाम असमंजस रख दिया था, यही असमंजस नाम रख दिया। राजा सगर का अच्छा राजपाठ चलता था, बड़ा सुंदर, भगवान का परम भक्त था। अश्वमेघ यज्ञ किया, उन्होंने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया था। जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था तो उन्होंने क्या किया, अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि आप जाओ भगवान की तपस्या कीजिए। 60,000 पुत्र तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। जब तपस्या करने के लिए 60,000 पुत्र चले गए, आगे जाके क्या होता है, जब 60,000 पुत्र तप करने के लिए चले जाते हैं, देवराज इंद्र सोचने लगा, भैया ये इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे इंद्र शासन को जीत ले, कहीं मेरे ये इंद्र शासन को न जीत ले। उन्होंने क्या किया, इस डर के मारे देवराज इंद्र क्या करते हैं, उस यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गए। उनके यज्ञ के घोड़े को चुरा करके धरती के अंदर देवराज इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़ा को बांध के चले जाते। 60,000 पुत्र सोचने लगे राजा सगर के हमारे यज्ञ के घोड़े को कौन चुरा करके ले गया। उन्होंने पूरी पृथ्वी को खोजा था, कहीं उनका घोड़ा नहीं मिला। उन्होंने धरती को खोदना स्टार्ट कर दिया, पाताल में चले गए। देखा था कि पाताल के अंदर कपिल भगवान के आश्रम में वो यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। तो 60,000 पुत्र कपिल भगवान को गाली देने लग रहे थे, आप कैसे संतो, आप कैसे ऋषि हो, आप हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा करके लाए हो। कपिल भगवान को गाली भी देने लग गए थे, कपिल भगवान को गाली देने लग गए थे, आप कैसे संतो, पत्थर भी मारने लगे। तो कपिल भगवान के नेत्रों से ऐसी ज्योति निकली जो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए और इनको प्रेत योनि मिली थी। राजा सगर सोचने लगा, मेरे 60,000 पुत्र जो तप करने के लिए गए थे वो क्यों नहीं आई। असमंजस से कहा था आप जाओ, आप अपने भाइयों की खोज लगाओ। उन्होंने खोज लगाई तो कपिल भगवान कहने लगे, वो मेरे क्रोधा अग्नि नेत्रों से जल के भस्म हो गए, और अगर आप उनका उद्धार चाहते हो, अगर आप उद्धार चाहते हो उनको, तो गंगा जी को धरती पर लाना पड़ेगा। तो असमंजस ने गंगा मैया को प्रकट करने के लिए और बड़ी कठोर तपस्या करी थी। इतनी कठोर तपस्या करी कि तपस्या करते करते पूरे शरीर में दीमक लग जाती है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। देखो माताओं, चलती कथा में कोई बातें करता है सबसे बड़ा दोष लगता है, तो ध्यान कथा की ओर लगा लो, इधर उधर ध्यान नहीं दो। स
असमंजस ने इतनी कठोर तपस्या करी गंगा जी को प्रकट करने के लिए, इतनी कठोर तपस्या करी कि तपस्या करते करते उनके पूरे शरीर पर दीमक लग गई और अंत में उनकी मृत्यु हो गई, मगर गंगा मैया नहीं प्रकट हुई। इनकी मृत्यु हो जाती है। असमंजस के पुत्र हुए थे अंशुमान, इन्होंने भी गंगा जी को प्रकट करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या करी। तपस्या करते करते इनके भी प्राण निकल गए, मगर गंगा मैया नहीं प्रकट हुई। अंशुमान के पुत्र हुए थे कौन, दिलीप। इन्होंने भी गंगा मैया को प्रकट करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या करी। तपस्या करते करते इनके भी प्राण निकल गए, मगर गंगा मैया नहीं प्रकट हुई। अंशुमान के पुत्र हुए थे दिलीप, और दिलीप इन्होंने भी बड़ी कठोर तपस्या करी, इनकी भी मृत्यु हो गई, गंगा मैया नहीं प्रकट हुई। दिलीप के पुत्र होते कौन, भागीरथ। कहते कि राम राम रटते रहो और जब तक घट लो प्राण, बहुत दीन दयाल की बलक पड़ेगी का। जब पीढ़ी बाई पीढ़ी तपस्या करते जा रहे तो अंत गंगा मैया को प्रकट होना ही पड़ा था। बोलिए गंगा मैया की जय। इसी गंगा मैया ने 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया था, और गंगा का पानी वो पवित्र है, अगर मनुष्य दिल से जाता है तो गंगा मैया हर किसी के पापों को भी धो देती है। यही गंगा मैया वैकुंठ लोक से चल के नारायण भगवान के लोक से चलती हुई मंदराचल पर्वत पर आई, मंदराचल पर्वत से चलती हुई द्रोणागिरी पर्वत पर आई, द्रोणागिरी पर्वत से चलती हुई कैलाश पर्वत पर आई, और कैलाश पर्वत से चलती हुई हिमालय पर्वत पर आई, और हिमालय पर्वत से चलती हुई धरती पर आई। इसी गंगा मैया ने 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया था। एक बार जोर से बोलो, इसी भागीरथ के पुत्र हुए थे कौन, अनेना। अनेना के पुत्र हुए थे मूलक, मूलक के पुत्र हुए थे खड़वांग, खड़वांग के पुत्र हुए थे धीरबाहु, धीरबाहु के पुत्र हुए थे राजा रघु, जो रघुवंशी कहलाई गई। राजा रघु के पुत्र हुए थे अज, और अज के पुत्र कौन हुए, राजा दशरथ। ये सूर्य वंश का वर्णन आता है। एक बार और बता देता हूँ, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वैवस्व मनु जिनको सूर्य कहते हैं, इसी वंश में इक्ष्वाक नाम के राजा हुए, इक्ष्वाक के बेटा हुए थे सगर, सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए थे दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, भागीरथ के पुत्र हुए अनेना, अनेना के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए खड़वांग, खड़वांग के पुत्र हुए धीरबाहु, धीरबाहु के पुत्र हुए थे राजा रघु, और राजा रघु के पुत्र हुए थे अज, अज के पुत्र हुए थे राजा दशरथ। ये सूर्य वंश का वर्णन आता है। अच्छा देखो, राजा दशरथ ने तीन तीन विवाह कर लिए। क्या क्या नाम है तीनों रानियों का, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तीन तीन विवाह हो गई, मगर यहां पर भी उत्तर नहीं होता था। मैंने आपको कल के दिन बताया था कि अगर किसी के पास दुख आ जाता है, आप किसी के आगे रो लेना, आपकी दुख की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। दो दरवाजे ऐसे हैं, जितना अपना दुख सुनाना है
अपना कष्ट सुनाना है वो ही दो दरवाजे सुन सकते हैं। रो तो उन दो दरवाजों पर रो, नहीं तो किसी के आगे रो मत। पहला दरवाजा पता किसका है? मेरे काना का। जितना रोना है मेरे काना के आगे रो। अपना दुख सुनाना है मेरे कन्हैया को सुनाओ, मेरे गोपाल को सुनाओ। और वास्तव में अगर आपने मेरे काना के आगे अगर एक आंसू भी बहाया है, मेरा गोपाल मेरा कृष्ण जरूर सुनता है। भगवान क्या कहता है? अरे रोने वाला चाहिए, मांगने वाला चाहिए, मैं तुरंत देता हूं। भक्त मुझे बुलाने में देर करेगा मगर मैं कभी आने में देर नहीं करता हूं। पहला दरवाजा है भगवान का और दूसरा दरवाजा किसका है? गुरु का। दूसरा दरवाजा है गुरु का। अपना जितना दुख सुनाने, अपने कष्ट सुनाने, अपने गुरु को सुनाओ। अपने गुरु के आगे रो। और जो मनुष्य अपने गुरु के आगे रोता है या अपने कष्ट सुनाता है तो गुरु उस अंधकार से प्रकाश की ओर जरूर लेके जाएगा। जोर से बोलो। राजा दशरथ पर तीन विवाह हुए, उन्होंने तीन विवाह किए थे मगर उन पर भी कष्ट आया। तीनों रानियों पर कोई संतान नहीं होती थी, अपने गुरु के पास गए, अपने गुरु को अपने दुख बताने लगे। गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए और कहने लगे, हे गुरुदेव, आप जानते हो मेरे सब दुखों को। हर प्राणी कहने लग गया है कि हमारा कैसा राजा है, ये निसंतानहीन राजा है। और ऐसे राजा का तो मुख देखना भी बेकार है। महाराज, जब दुनिया नफरत कर रही तो क्या करो? तो उनके गुरु वशिष्ठ मुनि ने क्या बोला? आप ऐसा करो, एक पुत्र कामिष्ठ यज्ञ कराओ। आप एक पुत्र कामिष्ठ यज्ञ कराओ। इतना बड़ा विशाल यज्ञ चल रहा है, पुत्र कामिष्ठी, बड़े बड़े संत आए, दुर्वासा ऋषि, अत्रि मुनि, कपिल मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे, बड़ा भयंकर, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है कि उस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव भगवान खीर का चरू लेकर के प्रकट हो गए थे और कहने लगे कि हे राजन, आप इस खीर को तीनों रानियों को अर्ध अर्ध भागों में खिला देना। तीनों रानियों के लिए खिला दिया। वहां तो परमात्मा आने वाले, ये तो भगवान लीला रच रहा है। तीनों रानियों के गर्भ ठहर गए। और सुनो, मेरे नारायण भगवान सीधे कहां पहुंच जाते? सबसे पहले कौशल्या माता को दर्शन दिया। भगवान चतुर्भुज रूप में आज नारायण भगवान कौशल्या माता के सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान कहने लगे, हरि ओ मैया। याद है? अरे ओ मैया, मैया, अरे ओ मैया, अरे ओ कौशल्या मैया, मैया देख हम तेरे लाला बन के आए। मैया अपने घर के किवाड़ खोलना। कौशल्या मैया ने, भगवान चतुर्भुज रूप में आए हुए थे और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी कि सत्संग चक्रम सगरी सपीत वस्त्रम सरसीरुलक्षण संगार वृक्ष स्थल को वक्षामि नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुज।
कितनी सुंदर स्तुति करी कि ससंक चक्रम सक्रित कुंडलम, मेरे नारायण भगवान के हाथ में शंख लगा हुआ है, एक हाथ में भगवान के चक्र चल रहा है, एक हाथ में भगवान के पदम लगा है, एक में गदा लगी है, मेरा नारायण कितना सुंदर लग रहा है। भगवान के पीले वस्त्र बड़ा सुंदर रूप है, एक बात बोलो, मेरे नारायण के रूप को एक बार जो देख लेता है ना, वो दुनिया में न किसी को भी नहीं देखेगा, वो सिर्फ सिर्फ मेरे नारायण का दीवाना हो जाएगा। मेरा नारायण ना इतना सुंदर है, इतना प्यारा उनका चेहरा है। भगवान कहने लगे, अरियो मैया मैया, अरियो कौशल्या मैया, देख हम तेरे लाला बन के आए। मैया अपने घर की किवाड़ खोलना। मैया कह रही, महाराज जी मैं ना खोलने लग रही। क्यों? क्योंकि महाराज आप एक बात बताओ, मेरे लाला बन के आए, बेटा बन के आए या बाप बन के आए? भगवान कह रहे, मैया देख हम तेरे लाला बन के आए। महाराज लाला इतनो बड़ो थोड़ी हो, दुनिया का कहेगी या दारी के कहे तो चार चार रात कहेगी के ना कहेगी? अगर आप मेरो लाला बनोए तो पहले आपको दो हाथ हटाने पड़ेंगे, दो हाथ का ही बनना पड़ेगा। भगवान कह रहे, कौशल्या मैया हम तो जा कहूं गए मां चार आतन के गए। चल ठीक है मैया, हम तेरे लाला बन के आए, भाई तेरी बात तो माननी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा, करो अपने दो हाथ हटा दिए भगवान ने। बेटा बैठ जा। भगवान ने क्या किया, दो हाथ हटा दिए। भगवान कह रहे, अरियो कौशल्या मैया अब तो खोल दे अपने घर की केवार। मान की अब मैं नेकुना खोल रही। क्यों? क्योंकि जब लाला आवे ना तो छोटो सो बन के आवे, आवे के ना बे लाला है। तो महाराज अगर आप मेरो लाला बनो है, पहले छोटा सा बनना पड़ेगा ना, दुनिया का कहेगी इतो बड़ो लाला भयो है, कहेगी के ना कहेगी? तो मेरो लाला बनो है तो आपको छोटा सा बनना पड़ेगा। भगवान कह रहे, ठीक है मैया। तो भगवान छोटे से हो गए। भगवान बड़े भाव से कहने लगे, राम अरियो कौशल्या मैया अब तो खोल दे अपने घर की केवार। मान की अब नेकुना खोल रही। क्यों? क्योंकि महाराज जब लाला आवे ना तो नंगो ही आवे, निवस्त्री आवे के ना आवे। महाराज तुमने तो ऐसे चटक मटक के कपड़ा पहना के जन दूल्हा बन के बरात में आएगा मेरे घर पे। अगर मेरो लाला बनोए तो आपको निवस्त्रीन होना पड़ेगा। भगवान राम कहने लगे, मैया अरियो मैया मैया, तू तो हमें कछु ज्यादा ही परेशान करने लग रही है। कभी कहती है दो हाथ हटा दो, हमने वो हटा दिए, फिर कहती है कि आप छोटे से हो जाओ। मैया हम वो हो गए, अब कह रही है निवस्त्रीन हो जाओ। अब मैया तेरे लाला बन के आए, भाई तेरी बात तो माननी पड़ेगी। भगवान ने क्या किया, निवस्त्रीन हो गई और आज चतुर्भुज रूपधारी भगवान चार रूपों में भगवान का अवतार हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र, सोच लीजिए कन्हैया के जन्मोत्सव में क्या बटा था, बताए माखन और मिश्री, और हमारे राम के जन्म में पतो का बटो, का बटो बताओ, नहीं बताओ लड्डू। हाँ, चार लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे सारो भैया प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे सारो भैया प्रगट भय आज, लडुआ बटे रे मिठे मेवा बटे रे, लडुआ बटे हाथी के नाम बटे, लडुआ बटे रे मिठे मेवा बटे रे,
बताओ मेरी बहना बंदकार बचाओ मेरी सर को लगाओ जरूदार अब में लगवा चारों भैया अब घर लड़ुआ अरे भैया तुमको तो शर्म लग रही है नाच लो गाली तो बजा दो हरी वो मोतिया न चौक पूरा मरी बहना मोतिया न चौक पूरा मोतिया न चौक पूरा मरी बहना मोतिया न चौक पूरा आज सुबह कलश सजाओ अवध में लगवा बचे चारो भैया फूरी की सर दो कस्तूरी की भर दो तलिया के सर तुलसी जल परिया चारो भैया प्रगट भैया अवध में लगवा बसे चारो भैया प्रगट भैया अवध कर लड़ुआ बसे खीर घुटाओ गैया के दूध की खीर बनाओ गैया के दूध की खीर घुटाओ गैया के दूध की खीर बनाओ राम दिखाओ आपा चारो भैया अवध में लगवा बसे चारो भैया अवध करे लड़ुआ बसे Thank you.
We'll be right back.